तो मौजूद है राजधानी लखनऊ के जीपीओ पर, जहां पर सीलम कुमारी पीड़ित महिला बाराबंकी से आई हैं। आइए बात कर लेते हैं उनसे, क्या है उनकी पीड़ा, क्या घटना हुई है। मैं सीलम कुमारी ग्राम जौरी नवासा की रहने वाली हूं, पत्नी अमित कुमार स्वर्गवासी। घटना, मेरे हस्बैंड का मर्डर हो गया है। कब हुआ था मर्डर? 30 मई 2018 को, जिसमें FIR हमारी दर्ज हुई है पर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिनके नाम FIR नामजद रिपोर्ट हुई है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोबारा घटना ये हो गई, मेरी सास को बहला फुसला के लिवा ले गए हैं वही लोग, और उसके बाद मेरी जमीन जो है हड़पना चाह रहे हैं, और जमीन हड़प कर मेरी बिटिया को और मुझको, मेरी सास को, उससे ज़्यादा भी जान का खतरा है। जो कि अब जमीन हड़प कर सास को तो मार देंगे। ये ग्राम जोरी नबस्ता का है, थाना मसौली, जिला बाराबंकी का। इसमें मेरी मौसिया सास हैं, मेरे मौसिया ससुर हैं, मेरे गांव ग्राम नबस्ता के दो लड़के थे उनके पार्टनर, तो उसमें एक लड़का एक्सपायर हो चुका है और बाकी किसी के नाम जो रिपोर्ट नहीं है, बस मौसिया ससुर और मौसिया सास के नाम जो है रिपोर्ट दर्ज है। और बाकी इसके अलावा जो उन्हीं के रिलेशन वाले हैं, तो लोग कम से कम 10 लोग इसमें लगे हुए हैं, जो कि ज़मीन हड़पना चाह रहे हैं, ज़मीन हड़प कर मेरी सास को मार देंगे। और फिर इसके आगे मेरी समस्याएं तो सभी लोग जानते हैं कि कैसे क्या हो जाएंगी, जब हस्बैंड में नहीं है, मेरा इनकम भी कोई नहीं है, अगर मेरी ज़मीन भी चली जाएगी फिर मैं क्या करूँगी। ये जो जो नामजद हैं लोग, या किसी राजनीतिक दल में जुड़े हुए हैं, कैसे लोग हैं? नहीं, राजनीतिक दल में तो जुड़े नहीं हुए हैं, मगर एक पुलिस का क्या कहना है? पुलिस से आपसे मुलाकात हुई? पुलिस से जो हमने शिकायत की है उसमें, वहाँ से हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला है, कोई भी मतलब जो है हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। वो लोग पैसा देते जा रहे हैं, बस उन्हीं की सुनी जा रही है, मेरी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई होती तो 10 महीना हो रहा है, ना उनकी गिरफ्तारी हुई है, और दोबारा वो कांड करते ही जा रहे हैं। इसीलिए डर की वजह से मैं बिटिया को अपने साथ नहीं रख पा रही हूँ, उसको मैके में सेफ रखे हुए हैं। स्कूल में भी बोल दिया है कि हाँ, इसको कहीं से मतलब हमारे अलावा किसी को मिलने ना दिया जाए, बिल्कुल सेफ रहे। बाकी मैं ससुराल में अपनी रह रही हूँ, वो भी डरी हुई, ये भी नहीं सोच रही हूँ कि हाँ कब क्या हो जाएगा, कब क्या नहीं हो जाएगा, कि मेरे हस्बैंड की तरह मुझको भी हत्या कर दी जाएगी, इतना मतलब भय बना हुआ है, क्योंकि वो गुंडा बदमाश सब लोग हैं। क्या चाहते हैं आप? हमको न्याय मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो हमने FIR दर्ज कराई है उसमें उन लोगों की अरेस्टिंग हो जाए, तो शायद ये मामला कुछ हद तक रुक सकता है। जब अरेस्टिंग हो जाएगी तो शायद मेरी सास को मेरे घर पर छोड़ जाए, वापस कर जाए, और मेरा सब जितना है वो बच जाए, मेरा आगे भविष्य जो है कुछ हद तक थोड़ा संभल जाए, नहीं तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। इसमें नामजद तो जैसा कि हमने बताया कि 4 लोग हैं, उसमें एक लोग एक्सपायर हो गया है, 3 इस समय अभी भी हैं, उन्हीं लोग दूसरे के थ्रू लगाए हुए हैं, और जिस दिन से मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए उसी दिन से मेरी सास को लिवा ले गए हैं, यानी जो है बहला फुसला के वो अपने घर रखे हुए, और इस टाइम पे ज़मीन बेचवाना चाह रहे हैं। थाना क्या बताया था? थाना मसौली है। जैसा कि पीड़ित महिला ने अपना दर्द बयान किया, कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है, पुलिस की पूरी साफ मिली भगत जिसमें सामने निकल कर सामने आई, पुलिस पूरी तरह लापरवाह इसमें नजर आई। लगातार योगी सरकार पर कानून व्यवस्था के लिए सवाल उठते रहे। एक और मामला यहाँ पर निकल कर आया है कि जहाँ पर पीड़ित के जो पति है उनकी हत्या कर दी गई, और कहीं ना कहीं उनकी जान को भी अब खतरा है, वो अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटक रही। आज वो राजधानी लखनऊ पहुंची हैं अपनी पीड़ा को लेकर के। अब देखना है कि योगी सरकार इसमें कितनी गंभीर हो पाती है। कैमरामैन अनिल तिवारी के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्लस वन न्यूज़, लखनऊ।